लेकिन यह मंदिर तो बनकर भले ही तैयार क्यों ना हो गया हो, लेकिन इसके निर्माण के समय कई ऐसे चमत्कार हुए हैं। उसे देखकर मंदिर के पंडित समेत कई लोग दंग रह गए हैं। यहाँ तक इन चीजों को देखकर नासा के वैज्ञानिकों ने तो अपना सर ही पकड़ लिया है, और तो और वह एक ऐसी गहरी सोच में पड़ गए हैं कि मानो उन्होंने कोई भयानक चीज देख ली हो। आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के बनते वक्त हुए उन चमत्कारों और रहस्यमयी चीज के बारे में आपको बताएंगे, जिसे सुनकर शायद आप भी यकीन ना कर पाओ। आपको बता दें कि जब यहाँ मंदिर निर्माण का काम चल रहा था, तब 1200 खंभों की ड्राइंग तैयार करवाई गई और अमेरिका से एक विशिष्ट वैज्ञानिकों की टीम को बुलवाया गया ताकि वे इसका निरीक्षण करके होने वाली हर एक कमियों को दूर कर दें और राम मंदिर की शान में 4 चांद लगा दें। लेकिन जैसे ही राम मंदिर के निर्माण के वक्त वहां की धरती को खोदा गया, तब उस धरती से एक ऐसी वस्तु निकली कि उसे देखकर सभी के होश उड़ गए, और उस चमत्कारी और दिव्य वस्तु ने उन वैज्ञानिकों के होश ही नहीं, साथ ही साथ भारत सरकार को भी हिलाकर रख दिया। जिसके बाद तुरंत एक कमेटी बनाई गई और उसकी जांच के लिए लगा दी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वे सभी भी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए। दरअसल यह बात राम मंदिर के निर्माण के समय की है, जब अमेरिका से थॉमस नाम के एक वैज्ञानिक भारत में राम मंदिर निर्माण कार्य के दौरे पर आए हुए थे। यहां आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तो चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपना रूटीन काम फिर से करना शुरू कर दिया। अपने काम करने के दौरान जैसे ही उनकी मंदिर परिसर की गई, तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जहां पर वहां की धरती नरम पड़ी हुई थी। देखने में वह धरती वहां की जगह से पूरी अलग ही दिख रही थी। थॉमस को अपनी अंतरात्मा से कुछ अलग सी प्रेरणा मिलने लगी और तुरंत थॉमस ने अपने मजदूरों को वहां की खुदाई करने को बोल दिया। एक बार के लिए तो मजदूर भी हैरान हो गए कि ऐसी धरती की वो खुदाई क्यों करवा रहे हैं, लेकिन मजदूरों को तो उनका ऑर्डर मानना ही काम था, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सवाल किए खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही वहां पर खुदाई शुरू हुई, कुछ ही देर बाद उस धरती से पानी का प्रवाह शुरू हो गया। उस बहते हुए पानी को देख खुदाई करने वाले मजदूर परेशान हो गए, क्योंकि पानी के अंदर खुदाई करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन जब इस पानी का सर्वेक्षण किया तो पता चला कि यह पानी तो पास ही में बह रही सरयू नदी का पानी है। वे लोग ये समझ नहीं पाए कि ये माता सरयू का आशीर्वाद है कि वह खुद राम मंदिर के निर्माण में सहयोग कर रही थी। इस पानी ने सभी वैज्ञानिकों को एक गहरी सोच में धकेल दिया। वे ये सोचने लग गए कि अगर ऐसे ही पानी निकलता रहा तो यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कैसे हो पाएगा, क्योंकि एक पानी वाली सतह पर मजबूत मंदिर बनवाना कोई मजाक की बात नहीं। उस समय सभी के दिमाग में एक ही बात थी कि सरयू नदी का मंदिर की भूमि के नीचे मिलना कोई चमत्कार है या फिर कोई कुदरत का करिश्मा, यह कोई भी नहीं जानता था। आखिरकार जब कोई भी समाधान नहीं मिला, तब सभी मिलकर श्री राम से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात थी जब तक माता सरयू के पानी की धारा बंद नहीं होगी तब तक आगे का काम शुरू नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगले ही दिन श्री राम ने उनकी पुकार सुन ली और माता सरयू का पानी बंद हो गया, और एक बार फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया। और यह काम इस कदर चला कि अब यहां अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका है, या यूं कहे कि यह पूरा तैयार ही हो गया है, और 22 जनवरी को यहां श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। ये मंदिर इतना भव्य बना है कि इसे देखने के लिए भारत सरकार ने यहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनवाया है, ताकि देश और दुनिया के लोग ये मंदिर कभी भी देख सकते हैं। ये मंदिर तो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि जब पुराने समय में यहाँ पर राम मंदिर था वह कैसा दिखता था, जिसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी, तो फिर राम मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया था, क्योंकि ये रहस्य आज तक सीमित लोगों को ही पता है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको इसका पूरा रहस्य इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। तो उस समय भगवान राम की नगरी अयोध्या को किसने बनाया था, ये पवित्र नगरी हिंदुओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम जन्मभूमि भी कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को
कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था, हालांकि यहां खुदाई के वक्त आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे गए, जिसमें खंभों से लेकर हिंदू आकृति बनी हुई थी। अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्रीराम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्रीराम के पुत्र कुश ने एक बार पुण्य राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हो चला था, कोई बसावट भी यहाँ नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की, यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान तब मिली, जबकि यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ, तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनी भिक्षु फाहियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनत्सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3 भिक्षु रहते थे, और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया, तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़ कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी परिस्थितियों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया, और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527 से 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्रीराम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1952 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक खास तौर से उल्लेखनीय है। इसका सार है, जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर
दयालु मीर बक्की ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप से सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्व बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहां भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। लेकिन अंत में बाबरी मस्जिद का भी विध्वंस कर दिया गया और इस जमीन पर कई वर्षों तक केस चलता रहा और अंत में यह जमीन हिंदुओं को सौंप दी गई, जिस पर आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे ही खबरों से जुड़े अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल DK News को। धन्यवाद।